मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के शिवगढ़ में अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रतलाम की जनता को 108 करोड़ रुपए की समूह पेयजल परियोजना की सौगात भी दी। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रतलाम में अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पिछड़े लोगों को आगे ले जाने की बात दोहराई। जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सबसे गरीब है, सबसे दीन दुखी है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। वो गरीब आदमी अपने लिए भगवान है, अगर इसकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। गरीब आदमी कैसे आगे बढ़े, आदिवासी कैसे आगे बढ़े? गरीब को क्या चाहिए? एक तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर फ्लोराइड की समस्या से जूझ रही जनता को 108 करोड़ रुपए की समूह जल परियोजना की भी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रतलाम के 134 गांव इस परियोजना से जुड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पीने के पानी की तकलीफें जानता हूँ, यहाँ तो उसकी फ्लोराइड की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि हमने जो योजना बनाई है वो योजना लगभग 142 गांव की वो योजना है, और उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया है कि हम पीने का पानी की पूरी समूह पेयजल योजना बनाएंगे, और समूह पेयजल योजना बना के एक साथ हम पीने के पानी की सैकड़ों गांव में व्यवस्था करने का काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए समाज के पिछड़े वर्ग को आगे ले जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।